दोस्तों अपने इंडिया में ऐसे ऐसे महान इन्वेंशन और उसके इन्वेंटर्स हुए हैं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उन्हें कभी पहचान ही नहीं मिली और उनके वर्ल्ड क्लास इन्वेंशन को अपना नाम बताकर दूसरे वैज्ञानिकों ने वाहवाही लूटी। ऐसा ही एक इन्वेंशन किया था सर जगदीश चंद्र बोस जी ने, जिन्हें फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 में तब के ईस्ट बंगाल और आज के बांग्लादेश में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन जैसे बहुत से कॉलेजों से अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करके डिग्री हासिल की और फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट बने। उन्होंने मर्क्यूरी कोरर नाम का रेडियो रिसीवर बनाया था, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने 1895 में कोलकाता के टाउन हॉल में लोगों के सामने दिया था, जिसमें उन्होंने 75 फीट दूर रखे गन पाउडर को वायरलेस रिमोट के जरिए दीवारों के बीच में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेज के ब्लास्ट कराया था। इसका यूज करके मार्कोनी ने टू वे रेडियो कम्युनिकेशन करवाया था। इसको बेस बना के आगे चल के टीवी और एसी के रिमोट के साथ साथ वाईफाई राउटर्स भी बने। लेकिन एक महान इन्वेंशन एक इंडियन आदमी ने बनाया था, लेकिन इस इन्वेंशन के ऊपर नाम गुग्लिमो मार्कोनी इस इटालियन साइंटिस्ट का है। अगर ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और एसके स्पेक्टर चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।